ओम शांति। पवित्रता ही हमारे जीवन में शांति और सुख का बीज है। पवित्रता का युद्ध किसी महाभारत से कम नहीं है। महाभारत में भी अर्जुन की जीत का मार्ग उसकी स्मृति आने से ही खुला था। इसी तरह हम सब आत्माएं भी अभी महाभारत के मैदान में खड़ी है। सामने माया इंतजार कर रही है कि कब आत्मा अर्जुन के संकल्पों में कोई कमजोरी आए और मैं उस कमजोरी पर वार करके उसे गिरा दूं। इसलिए सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहो, सदा ये याद रखो तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप कितना पवित्र है, तुम कितने पवित्र और पूजनीय हो। इसी स्मृति से माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी, हमारे संकल्पों में कर्मेंद्रियों में कोई अपवित्रता का स्थान ना रहे। यही महावीर की निशानी है जिसके आगे माया सरेंडर हो जाती है। आज हम एक ऐसा ही सुंदर योग का अभ्यास करेंगे जिससे हमारे संकल्प, शरीर की कर्मेंद्रियां पवित्रता से भर जाएगी। ये अभ्यास बहुत ही इफेक्टिव है। इसका रोज इस तरह से अभ्यास करें, स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, बहुत पवित्र, जिसकी पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, मेरा शरीर पवित्रता के प्रकाश से चमक रहा है, एक डिवाइन लाइट की तरह। मेरे अंग अंग से पवित्रता बह रही है, अंग अंग पवित्रता से चमक रहा है। अनुभव करें, अब अपने पंच तत्वों के शरीर को खुद के सामने इमर्ज करें। शिव बाबा से, पवित्रता के सागर से मैं फरिश्ता कंबाइंड होकर पवित्रता और शीतलता की संपूर्ण शक्ति से भरता जा रहा हूं। स्वयं को भर ले सर्वशक्तिवान की पवित्रता की शक्ति से, और ये शक्ति मुझ में समाकर मेरे सामने मेरे पंच तत्वों के शरीर पर पड़ रही है। पवित्रता की लाइट मेरे मस्तक और नयनों से निकलकर सामने मेरे शरीर में समा रही है। सिर से लेकर पैरों तक धीरे धीरे हर अंग को पवित्रता की सकास दें।
और फिर इसी तरह से पैरों से लेकर सिर तक धीरे धीरे पूरे शरीर में परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता लेकर हर अंग में भरते जाएं। इस अनुभव के साथ कि मेरे शरीर का हर अंग कर्मेंद्री पवित्र हो रही है, तीन बार ये अभ्यास करें और स्वयं के शरीर को देखकर ये संकल्प करें, मेरा ये शरीर संपूर्ण पवित्र बन रहा है, मेरा शरीर संपूर्ण पवित्र है। अब मैं फरिश्ता अपने संपूर्ण पवित्र देह का आधार लेता हूँ, उसमें समा जाता हूँ। हर रोज एक बार इस अभ्यास को जरूर करें तो हर कर्मेंद्री पवित्र होने लगेगी, कोई भी कर्मेंद्री अपवित्रता की तरफ नहीं खींचेगी, बल्कि पवित्रता की खुशबू फैलाएगी और मन शांत और आनंदित रहेगा। ओम शांति।